नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कूकॉइन शेयर को आप कहां से और किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी। जैसे ही वेबसाइट आती है आपने टॉप पे देखना है साइनअप का ऑप्शन, आपने इस साइनअप पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म आ जाएगा साइनअप का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, जो आपकी वर्किंग ईमेल आईडी होगी वो डालनी है। दूसरे नंबर पे पासवर्ड डालेंगे आप और तीसरे पे सेम पासवर्ड को जो आपने ऊपर डाला है उसको रिपीट करके नीचे डाल देंगे। और यहाँ डालने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। आपने चेक करना अपने वेरिफिकेशन लिंक को, अगर इनबॉक्स में आता है तो ठीक है, वरना आपके स्पैम वाले फोल्डर पे भी जा सकता है। आपने वहां पर चेक करना है और वहां पर चेक करने के बाद उसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने कूकॉइन एक्सचेंज खुल के इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से डिटेल में जाना है। यहाँ पर आपको आपके सारे कॉइन जितने भी हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन से कॉइन हैं, कौन से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या आप विड्रॉल कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मार्केट का एक ऑप्शन आ रहा है टॉप पे, किस पे क्लिक करना है। जैसे आप मार्केट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने पांच पेयर खुल के आ रहे हैं, BTC, ETH, NEO, USDT और KCS। अब ये KCS को परचेज करने के लिए पहला वाला जो ऑप्शन है ये है कूकॉइन शेयर का ऑप्शन। अब इसमें आपने देखना है कि अगर आपके पास इथेरियम पड़ा है तो आप पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे, इथेरियम में क्लिक करके आप पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके अकाउंट में BTC पड़ा है तो आप BTC में क्लिक करके जो पहला ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास जैसे इथेरियम पड़ा है तो मैं इथेरियम में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ रहा है KCS डिवाइड बाई ETH, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने एक बढ़िया सा पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ पर को आप इथेरियम की मदद से अपना जो ये कूकॉइन शेयर है उसको आप परचेज करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर जाने के बाद ये मुझसे वेरिफिकेशन लिंक मांग रहा है, वेरिफिकेशन कोड, तो मैं गूगल ऑथेंटिकेटर में से अपना वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालूंगा, 003016 ये मैंने डाला। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इसे देखेगा कि ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसिटिव ऑपरेटिंग वार्निंग, द गूगल टू स्टेप इज वेरीफाइड वैलिड फॉर 120 मिनट, दो घंटे के लिए वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद आपने देखना है KCS, ये आ रहा है बाई KCS, खरीदने के लिए आपने देखना है बाई KCS। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला है प्राइस का, दूसरा है अमाउंट का। प्राइस वाले ऑप्शन पे आपने प्राइस डालना है जिस प्राइस पे आप इसे परचेज करना चाहते हो। और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप ऊपर देखिए, ये जो ग्रीन कलर के हैं ये लोगों ने ऑर्डर कर रखे हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक बीच की प्राइस डाल दीजिए। यहाँ पर आपने प्राइस डाली, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर को ये मैंने डाल दिया इतना, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 01006, ठीक है, ये डाल दिया। और ये प्राइस पर लेने के बाद यानी कि 51 रुपये में मैं इसे लेना चाह रहा हूँ, 51 रुपये में। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ अमाउंट, यानी कि कितने KCS मेरे को चाहिए, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट डालेंगे। अगर आपके पास इथेरियम पड़ा होगा तो आपका यहाँ पर मैक्स दिखा देगा कि कितने KCS आपको मिल सकते हैं, तो आपने अपने अमाउंट डालने हैं। अमाउंट डालने के बाद ये रेशियो वाला जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अमाउंट को। जैसे आप ये पूरा कर लेंगे उसके बाद आपने बाय पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय में क्लिक करेंगे यहाँ पर को एक्टिव ऑर्डर के अंदर आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा और वो लिस्ट हो जाएगा इस जगह पे। और जैसे ही कोई इंसान उसे परचेज करेगा तो वो आपको मिल जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा डील्ट ऑर्डर के अंदर कि वो आपको मिल चुका है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा पहले का ऑर्डर, तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो इसकी मदद से आप इस तरीके से आप इसको परचेज कर पाएंगे कूकॉइन शेयर को। अब आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो कूकॉइन शेयर आपको मिला है, आपने इस वाले में क्लिक करना है कूकॉइन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जाना है टॉप पे, और टॉप में आप देखेंगे अपना बैलेंस, यहाँ पर दिखा रहा है KCS, मेरा बैलेंस अभी दिखा रहा है 16.93, और यहाँ पर दिखा रहा है इसकी प्राइस कितने में मैंने लिया था, क्या लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा, बाकी डिटेल के पेज पे क्लिक करके आप पूरी डिटेल देख लेंगे कि आपके पास कौन सा कॉइन पड़ा है और कौन से कॉइन आपके पास कितने पड़े हैं, वो सारा यहाँ पर डिटेल आएगी। तो मेरे जितने भी कॉइन है वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है, कितने कॉइन में कितना मेरे पास अमाउंट पड़ा है। तो ये था पूरा इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसको अच्छा लगा वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो ये था पूरी वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।